लखनऊ से खबर है जहां पर मौसम विज्ञान विभाग की नई बिल्डिंग का उद्घाटन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया उद्घाटन। सरोजनी नगर इलाके में नई बिल्डिंग का उद्घाटन, विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। मौसम विज्ञान विभाग की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। सरोजनी नगर इलाके में नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया गया है। विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। तो मौसम विज्ञान विभाग की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। सरोजनी नगर इलाके में नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। काफी दिन से निर्माण कार्य चल रहा था इस बिल्डिंग पर और अब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और इसका उद्घाटन किया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। सरोजनी नगर, लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में ये नई बिल्डिंग है जहां पर खुद राज्यपाल पहुंचकर इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है मौसम विज्ञान विभाग का, और वहां पर वहां के तमाम कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद थे। तो इस बिल्डिंग, नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया गया है और ये बिल्डिंग सरोजनी नगर इलाके के पास है जहां पर विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। तो लखनऊ में मौसम विज्ञान विभाग की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया गया है और इस उद्घाटन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची थी, जिन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया। सरोजनी नगर इलाके में नई बिल्डिंग का राज्यपाल द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी वहां पर मौजूद थे। तो मौसम विज्ञान विभाग की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। तो इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ अपूर्व जायसवाल जुड़ चुके हैं। अपूर्व जी, क्या कुछ जानकारी है राज्यपाल द्वारा जो ये नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है? जिस तरीके से अभी तक हम लोग लखनऊ में देखते आ रहे हैं, मौसम विभाग का जो पीछे जो बिल्डिंग थी, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो काफी पुराना हो चुका था, जिसको काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसे जल्दी ही परिवर्तित किया जाएगा। उसी क्रम में आज नए भवन का उद्घाटन किया है। ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। सरोजनी नगर स्थित जो मौसम विभाग का जो दफ्तर होगा, अब वो एकदम नए तरीके से बनाया गया है। आज के जो आधुनिक तकनीक है उससे लैस किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि लंबे समय से यहाँ पर जो कार्यालय पुराना था, उसको शिफ्टिंग करने का उसका जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी काफी दिनों से। आज ये नया कार्यालय मौसम विभाग का यहाँ स्थापित हुआ है और इसका आज उद्घाटन हुआ है। आगे चल करके मौसम विभाग को उन्नत तकनीक और आधुनिकता के साथ जोड़ करके इससे बेहतर कार्य करने की उम्मीद की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्व जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि खबर